अब यहां पे हमने आपको एक कैलकुलेशन समझाई थी कॉस्ट की, ठीक है। तो कॉस्ट में हमने क्या बताया था कि किसी एक प्रोडक्शन का कॉस्ट 50 रुपीज है, तो उसकी एमआरपी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे मैन्युफैक्चरर ने अपना 5% का कमीशन लिया और अपने लागत जो कॉस्ट है उसमें ऐड करके डिस्ट्रीब्यूटर को भेज दिया, मतलब 5% 50 रुपए के निकाले और इसमें ऐड करके भेज दिया। फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया कि 10% का कमीशन निकाला, अपने खरीद में ऐड किया और किसको दे दिया, मैन्युफैक्चरर को, नहीं सॉरी होलसेलर को। होलसेलर ने क्या किया, अपने खरीद पे 15% का कमीशन निकाला और ऐड किया और किसको दे दिया, रिटेलर को। रिटेलर ने क्या किया, अपने खरीद का 20% निकाला और अपने खरीद में ऐड किया और किसको दे दिया, कंज्यूमर को दे दिया। तो फाइनल प्राइस क्या हुआ, कंज्यूमर की हुई, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि मुझे इसको एक सेल के अंदर शो करना है। तो इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला मर्जिंग मेथड समझाया था कि हमने इसको कॉपी किया, इसको हम यहां पे पेस्ट करते हैं जी। फिर इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको हमने लिया कॉपी करते हैं और यहां पे हमने इसको C18 के अंदर में हमने इसको पेस्ट कर दिया। यहां भी हमारा C18 है तो C18 के जगह पे C18 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। यहां पे इसको कॉपी किए और यहां पे इसको पेस्ट कर दिया, इसको डिलीट किया, इसको कॉपी किए और यहां इसके जगह पे D18 के जगह पे हमने पेस्ट कर दिया। यहां भी D18 है, इसको निकाल सकते हैं सर अभी हाँ हाँ निकाल सकते हैं, एक बार पेस्ट कर देते हैं। हाँ अब इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि मेरा फॉर्मूला बड़ा होते जा रहा है बड़ा, यहां भी बड़ा हो गया। फिर यहां पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहां पे E18 के जगह पे E18 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। यहां भी E18 है तो E18 के जगह पे E18 का फॉर्मूला डाल दिया। अब इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने क्या किया, अपना फॉर्मूला बना। लेकिन इसकी नेमिंग मेथड कर सकते हैं सर, नेमिंग मेथड हाँ मैं बता रहा हूँ नेम सर, पे जाके बता रहा लगा हूँ, सबर कीजिए सर, सबर कीजिए। तो ये फाइनली हुआ। तो आपने देखा कि इस काम के लिए हमने कितना लंबा फॉर्मूला लगाया। अब जैसे कि आपने बताया कि इसको सिंपलाइज किया जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। अगली टॉपिक हमारी यही रहेगी।